क्या 2000 का नोट जाने वाला है? क्या 2000 का नोट मार्केट से पूरी तरह गायब होने वाला है? क्या सरकार ने बंद कर दी है 2000 के नोटों की छपाई? और अगर 2000 का नोट गया तो क्या उसके बदले 200 का नया नोट आएगा? इस वक्त देश में करेंसी को लेकर थोड़े उलझन के हालात हैं, लेकिन इस उलझन के बीच हम आपको इस पर पक्की और पूरी खबर देते हैं। संसद में भी आज 2000 के नोट को लेकर सवाल उठ गए। समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने सरकार से सीधे पूछा कि क्या 2000 रुपए के नोट छपने बंद हो गए हैं। सिर्फ नरेश अग्रवाल ही नहीं, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता शरद यादव भी चिंतित थे। उन्होंने सरकार से कहा कि सरकार 2000 रुपए के नोट को छापने की स्थिति साफ करे, नहीं तो जनता में अफवाह फैल जाएगी। 2000 के नोट को लेकर इस वक्त घबराहट का माहौल इसलिए है क्योंकि बैंकों में और बाकी के लेन देन में 2000 के नोट अचानक से कम दिखने लगे हैं। नोटबंदी के समय जब पहली बार 2000 के नोट जारी किए गए थे, उस वक्त भी एक अफवाह उड़ी थी कि आगे चलकर 2000 के नोट मार्केट से गायब कर दिए जाएंगे और इससे काले धन वालों पर लगाम लगेगी। इस वजह से भी फिलहाल 2000 के नोटों के कम होने पर थोड़ी अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन इस अफरा तफरी के बीच एक पक्की खबर है और वो ये कि 1 अगस्त से 200 के नोट पहली बार हिंदुस्तान में जारी कर दिए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय से विचार विमर्श करने के बाद इसी साल मार्च में RBI ने 200 रुपए के नोट छापने का फैसला किया था और अब 200 के नोटों की तादाद काफी होने के बाद अगस्त के महीने से उन्हें जारी किया जाएगा। हालांकि 2000 के नोट पर सरकार का क्या रुख होने वाला है, इस पर अभी सरकार की ओर से ऑफिशियल जवाब आना बाकी है, लेकिन ABP न्यूज चैनल के मुताबिक 2000 के नोटों की छपाई का काम पूरी तरह रुका नहीं है, लेकिन हाँ, इसकी छपाई की तादाद में काफी कमी कर दी गई है। तो ऐसे में अगर अगले कुछ दिनों में 2000 के नोटों पर सरकार की तरफ से कोई बड़ा ऐलान होता है तो ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।